हम अक्सर पिज़्ज़ा बेस बाज़ार से खरीद के लाते हैं, पर आपको पता है इसको घर पे बनाना कितना आसान है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ इंस्टेंट पिज़्ज़ा बेस की रेसिपी, जो कि आप 30 मिनट के अंदर तैयार करके रख सकते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि आप इसको 3 से 4 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स, मैं हूँ शिल्पी। तो चलिए आज बनाते हैं बच्चों के मनपसंद पिज़्ज़ा के लिए पिज़्ज़ा बेस बहुत ही ईजी स्टेप्स में घर के बेसिक सामान से। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। इंस्टेंट पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है, तो बिल्कुल नाप के लिए आप जो भी सामान लें। इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून भर के बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून या 2 टीस्पून भर के शक्कर। इन सभी को हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ जो शक्कर है वो काफ़ी ज़्यादा डाली जाती है, इसको डालने से डो बहुत जल्दी फर्मेंट होता है। ये देखिए सभी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो इसको छान भी सकते हैं, और अब हम इसमें बीच में एक होल कर देंगे इस तरह से, और इसमें डाल देंगे 1 कप दही। तो ये मैं 1/2 कप और 1/2 कप, मतलब मैंने टोटल 1 कप दही का यूज़ किया। ये खट्टा दही नहीं है, एकदम सादा दही है। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून तेल, और इनको अब हम मैदे में बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पर 1/2 मैदा और 1/2 आटा यूज़ करके भी डो बना सकते हैं। तो अभी हम बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अगर ज़रूरत लगेगी तो हम पानी डालेंगे, नहीं तो पानी नहीं डालेंगे। ये देखिए आटे को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो अभी मैं सिर्फ यहाँ पे 1 टेबलस्पून पानी का यूज़ कर रही हूँ, ये देखिए, और इसको अब हम अच्छे से इस तरह से गूँथ लेंगे। तो ये देखिए काफ़ी स्टिकी सा डो तैयार हुआ है, और हम इसको इस तरह से अच्छे से 1 से 2 मिनट तक गूँथेंगे। तो थोड़ा ही स्टिकी होता है और आपके हाथों पे चिपकेगा ये। तो अगर आपको डो बहुत ही ज़्यादा स्टिकी लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा सूखा आटा डालें, बहुत ही थोड़ा, बहुत ज़्यादा ना डालें, नहीं तो आटे की कंसिस्टेंसी चेंज हो जाएगी। और इसको फिर से गूँथें इस तरह से। ये देखिए आटे को मैंने बहुत अच्छे से 2 मिनट तक गूँथ लिया है, और ये काफ़ी सॉफ्ट डो है। अब हम अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और आटे पर इस तरह से लगा देंगे, और अब हम एक ये एल्यूमिनियम फॉइल लेंगे और इसको इस तरह से कवर कर देंगे बोल को। आप चाहें तो इसको क्लिंग रैप से भी कवर कर सकते हैं, और अब हम इसको 20 से 25 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। डो को रेस्ट पे रखे हुए मुझे 20 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि डो थोड़ा सा फूल गया है, हम इसको अपने रोलिंग बोर्ड पे ट्रांसफ़र कर लेंगे, ये देखिए। और अब हम इस डो को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, और अब हम एक हिस्सा लेंगे और इसको इस तरह से अंदर जो है टक करेंगे, क्योंकि हमने इस डो को बनाने में दही, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और शुगर का इस्तेमाल किया था, उससे जो है ये बहुत ही जल्दी फूल जाता है। तो इंस्टेंट 20 मिनट के अंदर आप अपने पिज़्ज़ा बेस तैयार कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने ये 3 डो बॉल तैयार कर लिए हैं। हम 1 डो बॉल लेंगे और बाकी 2 को ढक के रख देंगे। हम इसको थोड़ा सा सूखे मैदे से डस्ट कर लेंगे, जिससे कि इससे हम आसानी से बेल पाए। हाथ से इस तरह से फैला लें, काफ़ी सॉफ्ट होता है। और अब हम इसको बेल लेंगे। तो इसको हमें काफ़ी मोटा बेलना है, बहुत पतला नहीं बेलना है। ये देखिए मैंने इसको बेल लिया है, और अब देखिए इसको मैंने कितना मोटा रखा है। और अब हम इस तरह का एक ढक्कन लेंगे और इसको अच्छे से कट कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो पिज़्ज़ा बेस है एकदम बाज़ार जैसे गोल बनेंगे। तो एक्स्ट्रा पार्ट हटा देंगे, इसको उठा लेंगे। तो देखिए एकदम गोल पिज़्ज़ा बेस बनके तैयार हुआ है। और अब हम एक कांटा लेंगे और इसमें छेद कर लेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ये सेकते समय फूले। अगर आप इसमें छेद नहीं करेंगे तो ये रोटी जैसा फूल जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल तैयार है, और आइए इसको कुक करेंगे। पिज़्ज़ा बेस को कुक करने के लिए आज यहाँ मैंने पैन लिया है और इस पर बटर पेपर रख दिया है। तो आँच को मैंने खोल दिया है लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट पहले, और ये जो बटर पेपर और तवा है हमारा ऑलरेडी गर्म है। हम इसमें पिज़्ज़ा बेस डाल देंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमे करेंगे और इसको ढक के 2 से 3 मिनट तक हम कुक होने देंगे। पिज़्ज़ा बेस को कुक होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, हम इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए आप अच्छे से फूल चुका है, हम इसको पलट देंगे। ये देखिए, तो ये देखिए एकदम परफेक्ट सेका है, इतना ही सेकना है हमें। इसको फिर से कवर कर देंगे और 2 मिनट तक नीचे से और सेकने देंगे। इसको कुक होते हुए लगभग 2 मिनट हो चुके हैं, हम इसे चेक कर लेंगे। बिल्कुल तैयार है, इसे निकाल लेंगे हम। तो ये देखिए एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे पिज़्ज़ा बेस बनके तैयार हुए हैं। तो
तो आप इसको इंस्टेंट पिज़्ज़ा बनाने में यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप अभी इससे पिज़्ज़ा बना सकते हैं, या फिर आप इसको ठंडा होने के बाद इसको स्टोर करके रख सकते हैं, ये 2 से 3 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो आइए हम भी फटाफट एक पिज़्ज़ा तैयार करते हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए यहाँ मैंने वही बेस लिया है जो अभी हमने तैयार किया था। इसके ऊपर हम डाल देंगे पिज़्ज़ा सॉस, और ये पिज़्ज़ा सॉस भी घर का बना है, और इसका वीडियो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, आप एक बार ज़रूर चेक करिएगा। आज मैं चीज़ पिज़्ज़ा बना रही हूँ, तो इस पर मैं ग्रेट कर दूँगी काफ़ी सारा मोज़रेला पिज़्ज़ा चीज़, और अगर आपके पास फ्रेश बेसिल लीव्स हो तो आप इसके ऊपर वो ज़रूर डालें, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। और अब हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग और थोड़े से चिली फ्लेक्स, और आइए हम इसको बेक करते हैं। इसको कुक करने के लिए फिर से मैंने वही पैन लिया जिसमें हमने बेस तैयार किए थे, और इसको बस मैंने 2 मिनट ढक के रख दिया है, और ये ऑलरेडी गर्म है, प्री हीटेड है। इसके ऊपर हम ये पिज़्ज़ा रख देंगे, इसके चारों तरफ थोड़ा सा हम बिल्कुल ऑयल ड्रिजल कर देंगे, इसको कवर कर देंगे और चीज़ के मेल्ट होने तक कुक करेंगे। तो ध्यान रखिएगा यहाँ फ्लेम को काफ़ी धीमे रखना है, नहीं तो पिज़्ज़ा बेस नीचे से जल सकता है। पिज़्ज़ा को कुक होते हुए थोड़ा टाइम हो चुका है, और आप देखें चीज़ बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। तो तैयार है ये पिज़्ज़ा, आप ज़रूर ट्राई करें, और हमें फीडबैक में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।